FM 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शहडोल सुबह के 8:30 हो चुके हैं और लीजिए हम अब आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम हेलो FM बैतूल। हेलो FM बैतूल, हेलो हेलो आकाशवाणी बैतूल, हेलो FM बैतूल। हाँ हेलो FM बैतूल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, बिछुआ ग्राम बिछुआ से, बिछुआ जिला छिंदवाड़ा से। जिला छिंदवाड़ा से? जी जी जी। तो साहेब लाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। ग्राम बिछुआ हमारे यहाँ भी है। अच्छा, नहीं हमारी तहसील है सर ये बिछुआ। अच्छा। जी जी जी। तो आपके ग्राम के क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर, तहसील है और मैं समिति प्रबंधक हूँ खमार पानी सोसाइटी में। अच्छा अच्छा। ऐप के माध्यम से आपका ये हेलो FM सुनकर रहता हूँ और बाकी किसान वाणी। बहुत अच्छी बात है। तो इन दिनों कामकाज कैसा चल रहा है आपका? इन दिनों वसूली का काम चल रहा है सर, फाइनेंस करे हैं तो अब वसूली का काम चल रहा है। अच्छा, ऑफिस में। अच्छा। और खेती किसानी का भी काम है। अच्छा, खेती किसानी का कैसे काम है? खेती किसानी में सर गेहूँ अब आने के कगार पे है और पानी तो इस साल शॉर्टेज आ गया आखिरी समय में, तो हाँ फसल ठीक है सर, वैसे अच्छी है। बेस्टर से कटवाएंगे सर उसको। सब्जी भाजी की क्या हाल है? सब्जी भाजी इस बार सर आलू लगाए थे खेत में तो नुकसान हो गया, क्योंकि महंगी कीमत पे लगाए थे और बिका सस्ता, इसकी वजह से कुछ लॉस हो गया सर। और लहसुन निकलना चालू है सर अभी। अच्छा, कितने एकड़ में काम करते हैं वैसे खेती किसानी? 11 एकड़ जमीन है सर, 11 एकड़ में गेहूँ और कुछ सब्जियाँ, ज्यादा नहीं लगाते, थोड़ी लगाते हैं। छिंदवाड़ा जिला वैसे सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ सर, बहुत वो तो है सर। तो साहिब लाल जी आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज सर बैराग फिल्म का वो मेरे भोले शंकर का गाना है। ओ शंकर मेरे। हाँ वो शंकर मेरे, महेंद्र कपूर की आवाज। जी सर, जी जी, महेंद्र कपूर। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है ये और बड़ा ही सुंदर गीत है। तो ठीक है साहिब लाल जी, अब हम आपको नजर करते हैं आप ही की पसंद। हेलो FM बैतूल, मैं सोनू बात कर रही थी सर, बैतूल से। सोनू जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर बैतूल से, ग्रीन सिटी। अच्छा, ग्रीन सिटी से बात कर रही हैं आप। तो कैसी हैं आप? जी सब बढ़िया है सर, जी थोड़ा सा गुलाबी ठंड भी पड़ रही है हमारे बैतूल में। हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। जी जी। सोनू जी क्या करती हैं आप? सर अभी तो हाउस वाइफ हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। घर के काम काज से तो फुर्सत ही नहीं मिल पाती, आप फुर्सत निकाल पाती हैं? हाँ सर, मैं पूरा रेडियो सुनती हूँ और काफी टाइम हो गया, 30 साल हो चुके मुझे रेडियो सुनते सुनते। जो हम सखी सहेली पहले आ रहा था, चाहती हूँ कि वो रिपीट करे एक बार, जो पुरानी जो होती है, क्योंकि अभी तो नया समय आ चुका है, सब चीजें बदल चुकी है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो जो पुराना जो था वो रिपीट कर सकते हैं, तो हमको सुनने में अच्छा लगेगा। आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद है क्यों? हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं एक बार भी मिस नहीं करती, बट कभी हो जाता है तो मिस हो जाता है, लेकिन वैसे तो कभी नहीं करती हूँ, मेरे तरफ से तो कभी उनको सुनना बंद नहीं होता है। कब से रेडियो सुन रही हैं? सर मुझे हो गया 30 साल हो गए सर। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, आपको कैसे गाने पसंद है? सर मुझे सारे जमाने के हिसाब से सारे गाने, पुराने भी पसंद है, नए और अभी जमाने के जो गाने हैं वो भी बहुत पसंद है, मैं सारे गाने सुनती हूँ सर। बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी तो यहाँ पर अकेले रह रही हूँ, सब बाहर है और मेरे हस्बैंड भी मतलब साथ में रहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो। अच्छा। हाँ और सर मैं एक और मैं बोलना चाहती थी, वो एक गाना था आपको याद होगा सर, लता मंगेशकर जी ने गाया था ये गाना और स्मिता पाटिल थी। हाँ जी। उस पे कोई फरमाया गया गाना ही सुना दीजिए। दुश्मन न करे दोस्त ने जो प्यार दिया। हाँ 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 सर, वो सुना दीजिए। तो सोनू जी डीजे सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो हेलो FM बैतूल। हेलो FM बैतूल। सर आपसे बोल रहे हो, अच्छे दिन आके निकला। कौन बोल रहे हैं? अशोक आमला से। अशोक जी बात कर रहे हैं? हाँ। आमला से। हाँ। कैसे हैं अशोक जी? बस आने वाली महाशिवरात्रि और छत्रपति शिवाजी जयंती की शुभकामना दे रहा हूँ आपको सब श्रोताओं को। चलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो अशोक जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम में? वो अपने राजेश खन्ना मुमताज पे फिल्माया गया गाना है ना, जय 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 शिव शंकर। फिल्म आपकी कसम से? हाँ, छत्रपति शिवाजी जयंती भी है उस दिन रविवार को। अच्छा, तो अशोक जी अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सिंगल ही रहता हूँ। कहाँ? आमले में ही? हाँ आमले में। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? वो पति
टीचिंग करता हूँ ना। अच्छा टीचर है आप, तो इन दिनों तो एग्जाम टाइम है बड़ा, अभी डेट आ गई है एग्जाम की, उन लोगों की प्रिपरेशन तैयारी करवा रहा हूँ। बड़ा बिजी शेड्यूल होगा आपका इन दिनों। बच्चे लोगों को थोड़ा समय निकालना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। ठीक है अशोक जी, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो 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 एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल जी सर, मैं शिवलाल यू ने केरपानी से बोल रहा हूँ सर जी। शिवलाल जी? हाँ जी सर, मैं केरपानी से बोल रहा हूँ सर जी। तो कैसे हैं शिवलाल जी? सब बढ़िया सर। सर आकाशवाणी नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी सर, जी सर। तो शिवलाल जी क्या करते हैं आप? सर खेती मजदूरी करते हैं सर जी। खेतों की हालत इन दिनों कैसी है? अभी तो सर गेहूं कटनी चालू है सर जी। गेहूं कटनी चालू है? हाँ जी सर। अच्छा कौन सा गीत सुनना है आपको? सर मुझे लाल दुपट्टा मलमल का सर। तो ठीक है शिवपाल जी, हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गाना। हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल से बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सर, मैं राजू आसल बोल रहा था, कन्नड़ गांव। कन्नड़ गांव से बात कर रहे हैं आप? जी सर। राजू जी? जी सर, सर गाना सुनना था। बताइए राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? सर काला पत्थर फिल्म का सॉन्ग है, किशोर कुमार की आवाज में। एक रास्ता है जिंदगी, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। आपको ये गाना सुनना है? जी सर। बड़ा ही अच्छा गीत है। क्या करते हैं आप राजू जी वैसे? सर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, बीएससी फाइनल ईयर चला सर मेरा। अच्छा कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं पास में ही है हसलपुर कॉलेज। अच्छा वहाँ पढ़ते हैं आप। इन दिनों पढ़ाई को तो बड़ा ही टेंशन है। हाँ सर बढ़िया चलिए, ऐसे तो घर का भी काम कर रहे हैं सर, अभी मकान का भी काम चला है, तो मकान का भी काम कर रहे हैं। पहले कोरोना से ज्यादा मतलब पीछे हो गए ना, तो थोड़ा लेट हो रहे इस बार। तो कब होंगे एग्जाम? अभी टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ, डेट नहीं आई सर। तो घर में और कौन कौन है? यार घर में तो अभी कोई नहीं है सर, मैं अभी पापा मम्मी कोई नहीं सर, वैसे मैं रेडियो की शादी हो गई है, साथ में मेरा दोस्त भी अजय गंगारे। तो ठीक है राजू जी, अब सुनिए अपनी पसंद का फिल्म काला पत्थर से ये गाना सा। हेलो हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल सर, नमस्कार, मैं सर आठनेर से बोल रहा था। आठनेर से बात कर रहे हैं आप? जी। बताइए अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम गुड्डू वाड़ेकर है सर। कैसे हैं आप गुड्डू जी? बस सब बढ़िया है सर। गुड्डू जी कौन सा गीत सुना है आज? सर आज आप शिवरात्रि आ रही है सर, तो भोले वो भोले का गाना सुना है। फिल्म याराना का गाना है ये? जी जी। आपको ये गाना सुनना है? जी सर। तो गुड्डू जी आठनेर के रहने वाले हैं आप? जी जी। गाँव के क्या हाल है? सर अभी तो ठीक है सर, अभी थोड़ा ठंडी भी सब आपको कम हो गई है। खेतों की क्या हाल है? खेतों के सर अभी तो बढ़िया है सर, अभी गेहूँ भी बढ़िया है। आपके परिवार में और कौन कौन है? सर मेरे परिवार में माता राम है सर, और हमारे एक मैडम है, दो बालक है। अच्छा। बालक सर दसवीं में पढ़ता है, और छोटी गुड़िया भी छोटी है। अच्छा अच्छा। सर दुकान है सर डाटू पार्ट्स है। अच्छा। दिन भर एफएम चलते रहता सर। दुकान में ही सुनते हैं आप? जी जी। तो ठीक है गुड्डू जी, लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना फिल्म याराना से। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होकर सुन सकते हैं आपकी पसंद का गीत। फिर देर किस बात की, डायल करें फोन नंबर 07141231944 और 07141234722। आपके कॉल रिकॉर्ड होगी गुरुवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। याद रखिए दिन है गुरुवार, समय है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और फोन नंबर्स हैं 07141231944 और 07141234722। हमारे तकनीकी सहयोगी थे कमलेश शेषकर, राजा श्रीवास्तव और संजय गुजरे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए सुमन को, नमस्कार।